subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो से हैं उसके स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। सबसे पहले आता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद जो सा है वो रिसेप्टर, और रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टिमुलाई क्या होता है और जो सा है इफेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट जो सा स्टेप है उसमें आ जाता है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये था पिछली वीडियो जिसमें सबसे पहले जो सा है वो कंपोनेंट में आता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने आपको बताया था डिटेल में एक्सप्लेन, वो मेरी प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और इफेक्टर भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेटर और जो सा है फर्दर स्टेप्स। अब जो सा है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर जो सा है होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेटर जो सा है वो ऑर्गन और कोई टिश्यू होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर जो सा है कोई ऑर्गन या टिश्यू होता है। मेन फंक्शन क्या होता है कोऑर्डिनेटर का, कि इसने जो सा है वो रिसीव करना है मैसेज को, रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर और फिर उसने रिसेप्टर से जो सा रिसीव कर लिया मैसेज। रिसेप्टर से जब रिसीव कर लिया मैसेज तो उसने फिर क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के बाद जो सा है मैसेज अगेन सेंड करना है, अगेन मैसेज को सेंड करना है, मैसेज अगेन सेंड टू इफेक्टर जो कि कोऑर्डिनेटर के बाद है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर क्या था कि ऐसा ऑर्गन या स्पेशलाइज जो सा है ऑर्गन या टिश्यू जिसने जो सा रिसीव मैसेज किया फ्रॉम द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। उसके बाद जो सा है इफेक्टर के बाद जो सा है इंटरप्रेट होता है मैसेज। ठीक है, इंटरप्रेट होने के बाद जो सा है मैसेज अगेन सेंड होता है टू द इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर क्या है कोऑर्डिनेटर के बाद जो सा है नेक्स्ट स्टेप उसे कहते हैं इफेक्टर। ठीक है, अब जो सा है कोऑर्डिनेटर में जो सा है कोऑर्डिनेटर जो सा है वो ऑर्गन और टिश्यू हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमने पीछे स्टार्ट वाली वीडियो में कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो से है वो टू टाइप्स के हमने पढ़े थे, नर्वस सिस्टम और जो सा है केमिकल सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो सा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो बिलोंग्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन थी वो बिलोंग्स करती है ग्लैंड से। ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाते हैं उसमें, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, ये सारे। इसी तरह जो नर्वस कोऑर्डिनेटर और जो सा है वो केमिकल कोऑर्डिनेटर के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए भी जो सा है वो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए सेपरेट सेपरेट जो से हैं वो कोऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेटर। अब नर्वस कोऑर्डिनेटर की जो सी है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें जो सा है मैसेज जो सा है या कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो सा है वो नर्वस मैसेज सेंड होगा थ्रू द नर्व इम्पल्स। ठीक है, या न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स और जो सा न्यूरॉन दोनों की मैंने जो सी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब जो सा है सेकंड हम पढ़ लेते हैं
नर्वस कोऑर्डिनेटर या हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने जो सा है मैसेज को रिसीव किया, और उसके बाद जो सा है रिसेप्टर से, उसके बाद जो सा है मैसेज को इंटरप्रेट करके इफेक्टर के पास पहुंचा दिया। सेकंड में आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेटर में जो सा है किसके थ्रू जो सा है मैसेज कन्वे होगा। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेटर में जो सा है नर्व इम्पल्स के थ्रू, जो सा है मैसेज कन्वे होता है, ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेटर में जो सा है वो कैसे मैसेज जो सा है वो कन्वे होगा, थ्रू द केमिकल्स। अब ये केमिकल्स क्या होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेटर में? केमिकल्स जो से हैं वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, हमारी ग्रोथ करता है बोन्स की, तो ये इसकी एग्जांपल है केमिकल कोऑर्डिनेटर्स की। अब जौन सा है नेक्स्ट स्टेप है हमारा इफेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ा था रिसेप्टर के बाद जौन सा है, अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर के बाद जौन सा है आता है इफेक्टर, ठीक है। अब इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर जौन से हैं वो स्पेशलाइज या स्पेशल ऑर्गन या टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेटर का बताया, ठीक है। कोऑर्डिनेटर से उसने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया और उसने जो सा है इफेक्टर को दे दिया, ठीक है। स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं जो कि रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर टू द इफेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो सा है वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोऑर्डिनेटर के भी जो से हैं दो टाइप्स थी, ठीक है, जो के बेस थी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह इफेक्टर के भी जौन सी हैं वो दो टाइप्स हैं, जिसमें नर्वस इफेक्टर आ जाता है और जौन सा है केमिकल इफेक्टर आ जाता है। अब जो नर्वस इफेक्ट लेदा इफेक्टर होगा, ठीक है। अब नर्वस जौन से इफेक्टर हैं, नर्वस इफेक्टर में आ जाता है मसल्स, ठीक है। अब नर्वस में जौन सा है वो कैसे मैसेज कन्वे हो रहा था? नर्व इम्पल्स से या न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं। और जो इफेक्टर है केमिकल इफेक्टर, उसमें जो सा है मैसेज कन्वे होगा या इफेक्टर होगा वो केमिकल्स होंगे। अब केमिकल्स कौन कौन से आ सकते हैं उसमें? हार्मोन्स जो से हैं वो उसमें आ जाता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि नर्वस इफेक्टर और केमिकल इफेक्टर में जौन सा है मेन डिफरेंस क्या है। नर्वस इफेक्टर जौन सा है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जौन सा है क्विक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और केमिकल इफेक्टर में क्या है कि जौन सा है लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग टाइम और स्लो प्रोसेस होता है, यानी स्लो जौन सा है वो रिस्पॉन्स आता है, देर बार आता है। अब एग्ज़ाम्पल पढ़ लेते हैं कि नर्वस इफेक्टर में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जौन सा है वो किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो फौरन हाथ रिपेल कर लिया, ठीक है, उस चीज़ से जौन सा है दूर कर लिया हाथ। ये तो नहीं ना आपने हाथ रखा और उसे आपको फिर कल पता चला कि आपका हाथ जौन सा है बर्निंग सेंसेशन में आ रहा है, ठीक है, फौरन आप जौन सा है हाथ पीछे कर लेते हो। ये वाली एग्ज़ाम्पल आती है नर्वस इफेक्टर में, जिसमें जौन सा है नर्व्स आ जाती हैं। फिर जौन सा है केमिकल इफेक्टर। अब केमिकल इफेक्टर में मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये ग्रोथ हार्मोन यानी अब ये स्लो प्रोसेस कैसे है, जैसे कि एक बच्चा जौन सा है न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें जौन सा है ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो ग्रोथ हार्मोन फौरन तो नहीं उस बेबी को जौन सा है वो उसकी ग्रोथ कर देते हैं या उसकी बोन्स जौन सी हैं फौरन ही तो नहीं इतनी लंबी हो जाती ना, स्लो प्रोसेस ऐसा और लॉन्ग टाइम है जिसकी वजह से स्लोली जोन सी है उसकी बॉन्स
लॉन्ग होती है, ठीक है, फिर वो जो है वो ग्रोथ में फर्दर आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। और इफेक्टर के बाद आता है रिस्पॉन्स, इफेक्टर के बाद आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या है कि आपने हाथ पीछे किया, नर्वस इफेक्टर में आपने हाथ पीछे किया, ये है आपका रिस्पॉन्स। और केमिकल इफेक्टर में आपकी ग्रोथ हुई, तो इसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्टर का रिस्पॉन्स।